ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। करते हैं शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में हुए शामिल। कांग्रेस में बड़ा बदलाव, गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बना सकती है पार्टी। पीएमओ ने 8 जुलाई तक की सारी मीटिंग टाली, 2 दिन के अंदर हो सकता है कैबिनेट विस्तार। भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे रूस का दौरा, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर होगी वार्ता। चौरासी साल के एक्टिविस्ट की मौत, भीमा कोरेगांव केस में 8 महीने पहले जेल भेजे गए स्टेन स्वामी का अस्पताल में निधन। सहारनपुर में मोहन भागवत के बयान की हुई सराहना, भीड़ हिंसा पर कड़े कानून बनाने की मांग। आईआईटी कानपुर के ड्रोन ने मनवाया लोहा, ड्रोन की खासियतों ने कई देशों को पछाड़ा। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का कमाल, ब्लैक फंगस के 30 रोगियों की बचाई जान। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का कार्यक्रम हुआ घोषित, 825 ब्लॉकों में 10 जुलाई को होगा मतदान। शाहजहांपुर में एसटीएफ टीम को मिली सफलता, नकली सीमेंट फैक्ट्री पर हुई छापेमारी। ट्यूनिशिया की संसद में चल रही थी बहस, सांसद ने बीच में उठकर महिला सांसद पर बरसाए थप्पड़। सुसाइड मशीन सार्को में जुड़ा न्यू फीचर, अब मरने से पहले खुद को वर्चुअल तरीके से मरते हुए देख सकेंगे लोग। श्रीलंका में काम करते दिखे चाइनीज सोल्जर, पूर्व आर्मी कमांडर ने गवर्नमेंट पर लगाए गंभीर आरोप। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने जो बाइडेन को दी बधाई, भारत की तरफ से चीन को मिला कड़ा संदेश। भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे जापान दक्षिण कोरिया के साथ किया जंग का अभ्यास। भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक तैयारी, 41 साल बाद मेडल का सूखा खत्म करने के लिए तैयार मनप्रीत की टीम। भुवनेश्वर की टीम ने धवन 11 को हराया। श्रीलंका में टीम इंडिया का इंट्रा स्क्वाड मैच, मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव ने जमाए अर्धशतक। ओलंपिक के लिए भारतीय ध्वजवाहकों की घोषणा, मैरीकॉम और मनप्रीत टोक्यो में थामेंगे तिरंगा। कश्मीर में पाकिस्तान ने की क्रिकेट राजनीति, पीओके में 6 से 16 अगस्त तक होगा कश्मीर प्रीमियर लीग का आयोजन। श्रीलंका के पूर्व प्रदर्शन विश्लेषक सनत जयसुंदरा को मैच फिक्सिंग में पाया गया दोषी, आईसीसी ने लगाया 7 साल का बैन। शेरशाह के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर की एक और फिल्म साइन की, एक्ट्रेस अलावा आला भारतीय सेना ने श्रेणी को ट्रिब्यूट दिया, विद्या बालन के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में बनाया सैन्य फायरिंग रेंज। सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की भूत पुलिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, जारी हुए फर्स्ट लुक। करण जौहर की अगली फिल्म में जया शबाना संग रोमांस करती नजर आएंगे धर्मेंद्र, फिल्म में 3 दिग्गज कलाकारों के बीच देखने को मिलेगा लव ट्रायंगल। हंगामा 2 के चुरा के दिल मेरा सॉन्ग के टीजर ने मचाई धूम,
मिजान संग थिरकी शिल्पा। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।